यार इस वीडियो के बाद शाहरुख खान के जितने भी हेटर्स हैं उनको लगने वाली है मिर्ची और शायद बर्नौल की जरूरत पड़ जाए तो यार खरीद लो। देखिए आप में अगर एक्टिंग का कीड़ा है, आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े एक्टर बन सकते हो या तो फिर बॉलीवुड में आपका कुछ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जाना पड़ेगा, जहां पर बॉलीवुड में आपको कोई मौका देना दे शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी आपको जरूर मौका देगी, क्योंकि इसका 100% प्रूफ ये है कि भाई उनकी मूवीज या वेब सीरीज जिसमें उन्होंने पैसा लगाया तो वहां पर आपको कोई ना कोई बड़ा एक्टर तो देखने को मिलता है, वो तो कॉमन बात है, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई आउटसाइडर या कोई ना कोई न्यू टैलेंट देखने को जरूर मिलेगा जिनमें वाकई में एक्टिंग का कीड़ा है, और जितना वो इम्पोर्टेंट रोल उस लीड एक्टर को देते ना उतना ही वो यंगस्टर्स को भी देते, और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ये मूवी। खैर बात करेंगे क्लास ऑफ 83 मूवी की, जिसकी ओवरऑल लेंथ करीब 1 घंटे 38 मिनट की है। इसमें हमें नजर आते हैं बॉबी देओल, अनूप सोनी और 5 नए एक्टर्स जिनका नाम है तेज, भूपेंद्र, समीर, निनाद और पृथ्विक। खैर इस मूवी की कहानी शुरू होती है 1982 से, जहां पर हमें नजर आते हैं बॉबी देओल, जिनका इस मूवी में नाम है विजय सिंह, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद उनको एज अ पनिशमेंट नासिक में पोस्टिंग की जाती है, वहां पर वो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में एज अ डीन जाते हैं। अब इसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर एक चीज तो मैं आपको बता दूं वो ये है कि बॉलीवुड वालों का एक पुराना नाता है, वो है गैंगस्टर से, पॉलिटिशियन से और पुलिस वालों से, और अगर आप बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखते हो तो आपको पुलिस वर्सेस गैंगस्टर इस पर बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी और आगे भी देखने को मिलेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी क्लास ऑफ 83 में यहां पर हमें पुलिस एकेडमी में क्या कुछ चीजें चलती है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ भी बताया, और साथ साथ यहाँ पर 80s के दौर को बहुत ही अच्छी तरह से रिक्रिएट किया है, हर एक छोटी से छोटी चीजों पर यहाँ पर बहुत ही बारीकी से नजर रखी गई है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा इस मूवी को कट टू कट रखा है, यानी कि फालतू का मेलोड्रामा देखने को नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पर फालतू के कोई सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट से लेकर एंड तक मेकर्स को जो बताना है ऑडियंस को बस उन्होंने वही चीज बताई है। उसके अलावा बात करेंगे इस मूवी में कैरेक्टर की, तो यहाँ पर बॉबी देओल के कैरेक्टर विजय सिंह को इतना तो एटलीस्ट डेवलप किया कि उनके पास्ट में क्या कुछ हुआ था और प्रेजेंट में उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, इन सारी चीजों को इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर बताया है कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। उसके अलावा जो 5 नए एक्टर्स है उनके बारे में भी हमें छोटी छोटी चीजें बताई है, ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ क्या कुछ होता है, उस वजह से भी उनमें से कुछ हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स बन जाते हैं। बात करेंगे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो यहाँ पर 80s की कुछ पुरानी क्लिप्स को, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स को और साथ साथ कुछ नए सीन्स को इस तरह से बताया है कि आपको ये पहचानना मुश्किल है कि इसमें से पुराना कौन सा है और नया कौन सा है, हर एक चीज को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया कि आप पूरी तरह से इस मूवी के साथ एंगेज रहते हो। और इसके अलावा बात करेंगे इस मूवी के बीजीएम की, तो विजू शाह सर को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि वो 80s और 90s के एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके म्यूजिक में थ्रिल था, सच बता रहा थ्रिल, एक कॉमन से सीन को विजू शाह की बैकग्राउंड म्यूजिक एक अलग ही वे में लेके चली आती थी, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो गुप्त, मोरा, त्रिदेव, विश्वात्मा ये कुछ मूवीज है जिसकी अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुनोगे तो आज भी आप लोग उस सीन को पर्टिकुलर गौर से देखोगे, इतना एक अलग ही नशा था। और इस मूवी में भी क्लास ऑफ 83 में भी विजू शाह ने वो अपना एक पुराना टच दिया है जो आप महसूस कर पाते हो, और मैं इतना ही बोलूंगा कि विजू शाह और बॉबी देओल की जोड़ी इस बार वापस से रंग लाई है और ये मूवी का बीजीएम एक नंबर है। बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस का, तो बॉबी देओल ने यार क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया है, ये उन एक्टर्स में से जिनके फादर बड़े एक्टर होने के बावजूद भी इन्होंने अपने फादर की कॉपी नहीं की, ना ही अपने बड़े भाई की कॉपी की है, इन्होंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक के अपना एक अलग अंदाज पब्लिक को दिखाया है, और इसी वजह से लोग इनको आज भी बहुत प्यार करते हैं। हालांकि इनको मूवीज मिली लेकिन उतना ज्यादा फेम तो नहीं मिला, लेकिन ये वाकई में एक डिजर्विंग एक्टर्स में से है और इस मूवी में भी उनका काम आउटस्टैंडिंग है। लेकिन वो जो 5 नए एक्टर्स है ना उनके बारे में एक ही चीज बोलूंगा कि भाई इतने कॉन्फिडेंट है वो 5 लड़के, उनके फेशियल एक्सप्रेशन हो, उनके डायलॉग बोलने का तरीका हो, इससे एक चीज महसूस होती है कि उनको खुद को भी पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि वो लोग बेमतलब का इस इंडस्ट्री में नहीं आए, वो वाकई में उनमें टैलेंट है जो कुछ ना कुछ वो लोग कर सकते हैं, और इसीलिए मुझे उन सारे एक्टर्स का काम बहुत अच्छा लगा। और जहां जब उनके सीन्स बता रहे थे ना हमको बॉबी देओल की कमी महसूस ही नहीं हो रही थी, अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो उन 5 यंगस्टर्स में क्या दम होगा। अलावा डायरेक्शन मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। अब बात करेंगे इस मूवी की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो देखिए एक्शन, अब इस डिपार्टमेंट को लेकर लोगों की अलग अलग सोच होगी, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर एक्शन ज्यादा नहीं बताया, या कुछ लोग बोलेंगे भाई क्लाइमेक्स का जो एक्शन था वो बहुत जल्दबाजी में खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस मूवी को गौर से देखोगे तो मेकर्स ने ना काफी रियल रखने की कोशिश की इस मूवी को, तो इसलिए अगर किसी वाकई में रियल पुलिस वालों का कोई क्रिमिनल से 1-to-1 हो या
गोलीबारी हो तो मुझे नहीं लगता कि वो बॉलीवुड की मूवीज की तरह ड्रामेटाइज होती होगी। ऐसा ही यहाँ पर भी हमें एक्शन दिखाया, हालांकि जो क्लाइमेक्स का जो एक्शन है उसको थोड़ा सा कुछ कर सकते थे, बट मेरे हिसाब से जितना भी इस मूवी में बताया वो ओके ही है। लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन इस बात को लेकर शेयर कर सकते हो। पेरेंटल गाइडेंस में मैं इतना ही बोलूंगा कि ये मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन दो सीन्स को हटा के, यानी कि यहाँ पर जो मास्टर बेट का जो सीन है वो फन वे के लिए यहाँ पर बताया, कॉमेडी के लिए बताया, लेकिन वो आप फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो उसके अलावा यहाँ पर कोई भी गंदी चीज, कोई भी गाली गलौज या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मूवी को रेटिंग दूंगा 4 out of 5। तो ओवरऑल ये मूवी आप जरूर देखना, ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी या तो फिर कुछ डाउनलोडिंग साइट्स पे भी मिलेगी। तो यार बस इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज यार कमेंट में बताओ या शेयर करो अपनी मोहब्बत जो भी जाहिर करो किसी भी अंदाज में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लूसीफर का रिव्यू हम लोग या तो कल सुबह करेंगे, या तो कल शाम को करेंगे, या तो फिर संडे को करेंगे, देखते जैसा टाइम मिलता वैसा देखेंगे, क्योंकि मैंने उसके ऑलरेडी 4 seasons देख चुका हूं, अब ये आखिरी सीजन है, बस उसको भी देखेंगे, उसके बाद अपना रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।